सर आपने कुछ दिन पहले कहा था सड़कों पर अब समय आ गया है तो सर क्या कुछ कोई और रणनीति को स्पष्ट करना चाहिए। अब रणनीति होगी तो देखिए आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई, प्रदेश के भी बहुत जल्दी पदाधिकारी बन जाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं किसान नौजवान महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को धोखा दिया है बीजेपी के लोगों ने, वो तमाम सवाल हम लोग जनता के बीच में उठाते रहेंगे। और सोचिए आज G20 हो रहा है, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि सांड और जानवर सड़क पर नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई दिन नहीं जाता जिसे सांड से जान न चली जाए। और मैंने तो सुना है कि कई सौ करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ जानवरों को नसबंदी कर रहे हैं। बताइए नसबंदी कर रहे हैं ये लोग, जिन जानवरों की रक्षा करनी चाहिए थी। हनुमान जी हम देखते हैं बंदरों में, हम हनुमान जी देखते हैं, बताओ उनकी नसबंदी कर रही बीजेपी के लोगों को। इसीलिए मैंने कहा ये रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, ये रिलीजियस साइंटिस्ट ऐसे हैं, ऐसा ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद बुराई करें तो कुछ नहीं, अगर कोई दूसरा कुछ कह देगा तो उस पर आरोप लगा देंगे। ये सर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कह रहा है कि ग्रंथ का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद देता हूँ और यही समाजवादियों की हमेशा सोच रही है और यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय परंपरा है कि हमने हर एक को एक्सेप्ट किया है, हम किसी को अपमानित नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान विष्णु से लेकर के जितने भगवान हैं अवतार उन सबका हम लोग मानते हैं, उन सबका सम्मान करते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका मानते हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को छोड़ दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है, वो एक्सप्लेन कर दें, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। हिंदुत्व वर्सेस जाति पॉलिटिक्स क्या दिखते सर? नहीं नहीं देखो ये मत बोला करो, नहीं इसको इस तरह की भाषा नहीं बोला करते। नहीं नहीं वो मंडल वर्सेस नहीं 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 ये आप लोगों को नहीं लिखना चाहिए। ये संविधान हमारा धर्म है, संविधान और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कोशिश की जाति खत्म हो जाए, डॉक्टर रामलाल लोहिया जी ने कोशिश की जातियां खत्म हो जाएं, नेताजी कोशिश करते रहे कि जातियों का भेदभाव नहीं हो, लेकिन कुछ चीजें सच्चाइयां स्वीकार करनी पड़ेंगी। मैं आज अगर किसी जाति का हूं मैं अपने बेटे को दूसरी जाति का नहीं बना सकता, ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कुछ सवाल बीजेपी के रिलीजियस साइंटिस्ट हैं उन पर छोड़ दीजिए, जो रिलीजियस साइंटिस्ट हैं वो बताएंगे कि शूद्र कौन है, वो डिफाइन करेंगे। कम से कम हम हैं पढ़े लिखे, हमारे साथ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।